Hello everyone, this is Sunit on behalf of Team righted for well, this series is about the current affairs for PPSC. What all we are bringing with this? So complete Amara Current Affairs course is going to be in English. Then

Okay, let's move ahead of this thing without wasting a lot of time of yours. Let's proceed with the current affairs. Jo ki aapko part -wise manner this is part one, and we'll begin with the current affairs of January, 5th, March, and so on. It will go like that. So, first thing, Bihar tourism policy. Bihar government is focusing a lot on the development of tourism in the state. Why so? Because it is true that Bihar major tourism. Hai, वो ऐसा नहीं कि हाँ पीपल आर कमिंग टू विजिट द माउंटेन्स ऐसा वो ज्यादा नहीं है बिहार का जो टूरिज्म है of Buddha. So, Buddhism and दोनों के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो बिहार में काफी ज्यादा वो टूरिज्म का एक स्कोप है तो बिहार गवर्नमेंट इस चीज को बूस्ट कर रही है ठीक है ताकि अपना इकोनॉमिक ग्रोथ हो है ना विद दैट इम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रेवेन्यू बढ़े हमारा प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए अगर टूरिज्म को बेहतर करना है तो गवर्नमेंट भी अब कहीं ना कहीं इस बात से डिपेंड है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जितना आएगा टूरिज्म का ग्रोथ उतना ही ज्यादा होगा एंड फॉर द सेम पर्पज इस चीज़ के लिए ही बिहार गवर्नमेंट जो है बिहार टूरिज्म पॉलिसी ट्वेंटी लेके आई है पर्पज क्या है वॉट इज द एम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आना कहां पे लेके आना है क्या पूरे बिहार में नहीं जो मेजर टूरिस्ट साइट है वहां पे क्यों ताकि वहां पे एक्सेसिबिलिटी और वो प्लेस ज्यादा अट्रैक्टिव हो सके अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है चलो तो टू डेवलप दिस सॉरी वन सेकेंड सकते हैं डिस्टर्बिंग सो इस पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है क्या प्रोविजन है चेक इट आउट तो बिहार गवर्नमेंट जो है

अब अगर आपको ये सारे डेवलपमेंट करने हैं तो कहीं कही ना कहीं आपको यू हैव टू इन्वेस्ट तो अब इस बार जो है गवर्नमेंट इज प्लेइंग वेरी स्मार्टली है ना गवर्नमेंट यहां पे प्राइवेट सेक्टर्स को क्या इंसेंटिव देने वाली है इफ दे आर इन्वेस्टिंग इन द द द टूरिज्म ऑफ बिहार सो फर्स्ट फर्स्ट थिंग द फर्स्ट प्लेस वेयर दे आर प्रोवाइडिंग आई मीन हेल्पिंग द द प्राइवेट प्लेयर्स इज कैपिटल सब्सिडी है ना सो so कैसे कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है सो फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको उस हिसाब से सब्सिडी है फॉर एग्जाम्पल अगर आप दस करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते हो तो थर्टी परसेंट की सब्सिडी है अगर आप दस से पचास करोड़ के बीच का करते हो ट्वेंटी फाइव परसेंट का सब्सिडी है अगर आप फिफ्टी करोड़ से ऊपर करते हो है ना तो ट्वेंटी है उस पर कैप है पच्चीस करोड़ ट्वेंटी फाइव करोड़ रुपीज का ये तो हुआ सब्सिडी की बात इसके अलावा एक किसी भी कोई भी एंटरप्राइज अगर आप डालते हो तो उसका एक अच्छा खासा हिस्सा जो है आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करने में चला जाता है तो बिहार गवर्नमेंट ने कहा कि आपको कुछ दिनों तक टैक्स भी नहीं देना है ओके ठीक है गवर्नमेंट ने कहा कि जैसे कौन कौन से टैक्सेस नहीं देने हैं तो जो आपका लैंड कन्वर्जन फी है स्टैंप ड्यूटी है रजिस्ट्रेशन फी है इन सब पे हंड्रेड परसेंट री एम्बर्समेंट इससे क्या होगा कि स्टार्टिंग में जो हमें कैपिटल चाहिए होता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फॉर दैट थिंग ये हमारे लिए इजी होगा प्लस जीएसटी में भी एट्टी परसेंट ऑफ द जीएसटी

अगर कोई होटल या फिर कोई टूर ऑपरेटर टूरिस्ट गाइड्स को हायर कर रही है तो उनके सैलरी का मंथली जो रीमबर्समेंट पांच परसेंट है ना उसमें कैप क्या है फाइव थाउजेंड पर गाइड वो गवर्नमेंट पे करेगी कितने सालों के लिए दो साल के लिए तो इससे क्या होगा जो जो भी ये टूर ऑपरेटर्स हैं या फिर जो होटल्स हैं जो उस एरिया में है ना उनके लिए भी एक सपोर्ट मिलेगा प्लस वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे देन ग्रीन एंड माइस इनिशिएटिव्स है ना ग्रीन सर्टिफिकेशन पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है बट वॉट इज माइस माइस क्या है तो बिहार को कम्युनिटीज प्लानिंग्स की एम फॉर मीटिंग्स आई फॉर इंसेंटिव सी फॉर कॉन्फ्रेंसेस एंड ई फॉर एग्जीबिशंस ठीक है माइस मीटिंग्स इंसेंटिव कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस है ना तो इन सब इवेंट्स के लिए बिहार को एक डिजायर्ड प्लेस प्रोवाइड करना फॉर द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इवेंट्स के लिए अगर ये चीज हो जाता है तो बिहार में ऑटोमेटिकली टूरिज्म जो है बहुत अच्छे से डेवलप होगा प्लस उसके अलावा और भी चीजें बातें ही खत्म नहीं होती रुको जरा सबर करो तो अब जो इंसेंटिव इन, है उसका डिसबर्समेंट दिस्वर, कैसे होगा क्या गवर्नमेंट एक साथ पूरे के पूरे जो फंडिंग है हंड्रेड परसेंट सब कुछ एक साथ दे देगी नहीं स्टार्टिंग का जो है फिफ्टी परसेंट जो है इन द बिगिनिंग ऑफ द कमर्शियल ऑपरेशन जब स्टार्ट करोगे फिर बचा हुआ जो पचास परसेंट है उसको दो पार्ट में बांटा गवर्नमेंट ने ट्वेंटी फाइव परसेंट आफ्टर टू कंसिस्टेंट बिजनेस और फिर ट्वेंटी फाइव परसेंट जो बचा हुआ है वो अगर आपका जो है जो आप उस चीज को ऑपरेशन को और आगे लेके जाते हो तो जाके आपको मिलेगा लेकिन वो कितने साल बाद मिलेगा पांच साल बाद ये क्यों है सो so दैट सब्सिडीज का भी फायदा ना उठाए जब मिस यूज ना हो और प्रो बिजनेस जो है ना बिजनेस मॉडल जो है उसपे कंपनीज या फिर जो जो भी इन्वेस्टर्स है उस पर ढंग से काम करे सो दैट गवर्नमेंट का फायदा हो है ना उसके अलावा बिहार गवर्नमेंट गया में स्पेशल एलोकेशन की बात करें तो गया में जो विष्णुपद टेम्पल है कितने रुपए खर्च करके का। इसके अलावा और कौन से मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बिहार में यहाँ पे हमने लिख रखा बट आई ओके इफ यू आर फ्रॉम बिहार अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इतना बेसिक आइडिया रहता है महाबोधि टेंपल बोध गया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है लेट

तो इसके दो पार्ट हैं एक जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए चला जाता है और एक जो है एक हिस्सा बिहार के डेवलपमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फर्स्ट जो हिस्सा जब जिसकी मैं बात कर रहा था तो त्रिपुरा हाईवे का एक्सपेंशन हो रहा है विद टू करोड़ रुपए के साथ इस वन किलोमीटर जो रोड है उसको स्ट्रेच किया जा रहा है वाइड किया जा रहा है ना खोवाई से लेके हरिना तक त्रिपुरा में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है दिघा सोनपुर सिक्स लेन ब्रीज इन बिहार क्योंकि अभी वाला जो करंट जो हमारा जो आ, जो ब्रिज है देखा सोनपुर वाला वो क्या है रेल कम रोड ब्रिज है अभी भी जो जो व्हीकल्स हैं उनके लिए परमिशन नहीं है इज प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट जो है बिहार गवर्नमेंट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट और विद द विदोरेशन ऑफ बिहार गवर्नमेंट एक और ब्रिज बनाया जाने वाला है फोर किलोमीटर लॉन्ग सिक्स लेंस होंगी दीघा जो कि पटना में पड़ता है और सोनपुर जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो नया रेल ब्रिज होगा येवी वहीकल्स को अकोमोडेट करेगा इससे क्या होगा बिहार का नॉर्थ और साउथ वाला जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगा प्लस वैशाली वाला जो रीजन है वहां पे जो टूरिस्ट जाते हैं तो वो पे कनेक्टिविटी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी है ना टाइम कितना लगेगा अराउंड फोर्टी टू मंथ नाउ नेक्स्ट थिंग इीगल सैंड माइनिंग इन बिहार तो बिहार पुलिस ने है ना काफी सारे ऐसे ऑपरेशंस चलाए है ना सो दैट जो भी सैंड माइनिंग से रिलेटेड जो लोग हैं इन सैंड माइनिंग में जो लोग इन्वॉल्व है ना उनको रोका जा सके कौन से रीजन रिवर के आसपास सोन रिवर के आसपास वाले रीजन में अ लॉट ऑफ सिंडिकेट्स हैड डेवलप्ड और दैट वाज बिग बिग प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट एंड ऑफ कोर्स फॉर द एनवायरमेंट एज वेल तो क्या फ्रेमवर्क है एंटी सैंड माइनिंग से रिलेटेड क्या फ्रेमवर्क है हमारे इंडिया में सो so, हम उसके बारे में देखते हैं सो द फर्स्ट थिंग इज एक्ट

रेगुलेट कर रहा है प्राइमरी लीगल फ्रेमवर्क क्या है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन ऑफ टू थाउजेंड सिक्स क्या इट इज मैंडेड है क्या है जितने भी मेजर प्रोडक्ट है चाहे वो माइनिंग के हो है ना उन सब में आपको ध्यान रखना है कि एनवायरनमेंट को मिनिमम डैमेज पहुंचे मिनिमम डैमेज टू द एनवायरनमेंट सो दिस इज अ काइंड ऑफ मैंडेट दैट केम फ्रॉम द गवर्नमेंट देन एसएसएमजी सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइंस रिवर बेड माइनिंग प्रैक्टिसेस को है ना उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स है उसको मिटिगेट करने के लिए ये चीज है ओके देन एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग 2020 <laughs> इसमें क्या है तो ये जो है मॉनिटरिंग के लिए एंड हाउ कैसे मॉनिटरिंग करेंगे टेक्नोलॉजी प्लस लोकल गवर्नेंस का यूज करके हम जितने भी इलीगल सैंड माइनिंग से सैंड माइनिंग से रिलेटेड जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज है जो भी अनऑथराइज्ड माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है उसको कंट्रोल करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्लीज अब वन वर्ड वाले पैटर्न से बीपीएससी काफी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है धीरे-धीरे ये चीजें चेंज होने वाली है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे ऑप्शंस में भी एक दो सही हो एक दो गलत हो सो so, जब तक आपको सारी चीजें पता नहीं होगी इन डिटेल इट विल बी अ प्रॉब्लम इफ यू टॉक अबाउट द सोन रेवा कहां से ओरिजिनेंट होता है अमर सॉरी

सो so, लेमिनो वो आइलैंड का नाम क्या है ओके okay. तो घर झोला बनास रिहांद एंड नॉर्थ क्यूल रिहांद इज इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि इस पे देर इज अम इस पे कौन कौन से डैम है वैसे पानसागर डैम मध्य प्रदेश में एंड रिहांद डैम इन उत्तर प्रदेश मुझे बताओ अगेन ये कौन सी नदी पे है चलो नाउ हम बात कर रहे थे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की तो उसमें हुआ क्या है कि 2018 में और अभी अभी 2020 मतलब 2023 जो जो हुआ का उसमें 54 Around 23 का हुआ है। कहीं कहीं इट इज शुड बी एप्रीसिएटेड बिहार गवर्नमेंट ने इस पे अच्छा काम किया लेकिन हुआ कैसे कौन कौन से फैक्टर्स थे कौन कौन से ऐसे अच्छी चीजें थी जो बिहार गवर्नमेंट ने किया एंड दूसरे जो टाइगर या फिर तो, पहला हमने क्या किया इस एरिया में कंप्लीट बैन ऑन सैंड एंड स्टोन माइनिंग ठीक है डिक्लेयरिंग इट एज इको सेंसिटिव जोन हमने यहां पे सब कुछ बैन कर दिया कंप्लीटली इससे फायदा क्या हुआ ग्रासलैंड का रीजेनरेशन हुआ एंड दिस ग्रासलैंड इज 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 इट सपोर्टिंग द द द प्रे बेस फॉर टाइगर्स ठीक है सेम पॉइंट तो नेक्स्ट थिंग इन स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ वीटीआर की बात करते हैं ठीक है तो अगर आपकी पोजीशन की बात करोगे तो लोकेटेड इन द वेस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है इट इज बॉर्डरिंग इसके नॉर्थ में है डिस्ट्रिक्ट इसके नॉर्थ में है वी हैव नेपाल है उत्तर प्रदेश माइग्रेटिंग टू दिसगर रिजर्व फॉरेस्ट कवर की बात करें तो एज पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो एरिया है VTR का, वो फॉरेस्टेड है इट इज अ गुड नंबर

उसके अलावा वाटर रिसोर्स की बात करें तो रिवर्स लाइक गंडक पंडाई मनोर हरहा मसान है ना बापसा ये सारे जो है पीटीआर जो है वाल्मीकि रिजर्व वाला जो रीजन है उसके आसपास से निकल रहा है उसके बीच से निकल रहा है तो वाटर सप्लाई भी इज आल्सो वेरी प्रोपर जिससे कि इकोसिस्टम इज वेरी वेरी डायवर्सिय नेक्स्ट बात करते हैं लीची की फेमस तो लिच कल्टिवेशन जो है बिहार में पहले जो कि सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड था तिल मुजफ्फरपुर अब जो है इंडिया के 19 स्टेट्स में इसकी जो है खेती हो रही है एंड द क्रेडिट गोज टू नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची एन आर सी एल जिसका हेडक्वार्टर है एसएन मुजफ्फरपुर बिहार इट तो हॉर्टिकल्चर और इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है और इसमें एनआरसीएल का क्या रोल था तो इन्होंने क्या किया ऑफ कोर्स जैसे नाम ही है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची तो कहीं ना कहीं रिसर्च किया होगा ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ऑन ग्रोइंग द इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ लीची 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 प्लांट्स एंड द कल्टीवेशन ऑफ इन बिहार सो इन्होंने एच वाईवी जो भी हाई एल्डिंग जो वेराइटीज रही है लीची की उसके ऊपर रिसर्च किया है ना एंड प्लस ट्रेनिंग प्रोवाइड किया टू द फार्मर्स सो दैट बेस्ट आउटपुट मिल सके हम बात करें लीची की तो हम बात करें लीची की तो हम क्या है कि इसका जो एरिल पार्ट जो एरिड पार्ट है एरिल पार्ट है सॉरी वो एडिबल पार्ट है उसकी खेती होती है वही चीज हमारे काम में ठीक है एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और लो एलिवेशन वाले रीजन में हम इसकी खेती करते हैं ठीक है दिस थिंग दिस क्रॉप इज वेरी सेंसिटिव टुअर्ड्स टेम्परेचर है ना अगर फोर्टीट पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस से ऊपर से टेम्परेचर जाता है तो इट इज अ प्रॉब्लम या फिर अगर बहुत ज्यादा फ्रॉस्ट भी होता है सो इट इज अ प्रॉब्लम रेनफॉल की बात करें तो हाई ह्यूमिडिटी चाहिए फ्लावरिंग के टाइम पे सो दैट पॉलिनेशन वाला जो फैक्टर है वो वो मतलब वो इन ये रेनफॉल की बात करें तो अगर ह्यूमिडिटी हाई रही फ्लावरिंग के टाइम पे तो पॉलिनेशन जो है इन्हें हो सकता है वो एक प्रॉब्लम हो सकता है और इसका ईल्ड जो है वो कम हो सकता है इंडिया में बात करें तो इंडिया जो है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची का और पूरे इंडिया में 40 परसेंट ऑफ लीची जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में प्रोड्यूस होता है उसके उसके अलावा वेस्ट बंगाल एंड झारखंड प्रोड्यूसर ऑफ लीची गवर्नमेंट के क्या इनिशियटिव so, है टूवर्ड्स हॉर्टिकल्चर सो एम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है फोकस क्या है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी और मार्केट पोटेंशियल को ग्रो कराना प्लस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर जिसका जिसका फोकस है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स को डेवलप करना एंड एक्सपोर्ट को बूस्ट करना सो दट फार्मर्स की इनकम बढ़ सके नेक्स्ट थिंग बिहार कास्ट सर्विस बिहार कास्ट सर्वे जो पब्लिकली अवेलेबल है ऑन द पब्लिक डोमेन सुप्रीम कोर्ट के आफ्टर द सुप्रीम गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ये चीज पब्लिक डोमेन पर लाया गया की फाइंडिंग्स क्या है इस सर्वे के तो देखते इस सर्वे का सबसे बड़ा जो की uh, फाइंडिंग है वो ये है कि ओबीसी एंड ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है ना दिस टू कैटेगरीज टुगेदर इन बिहार कंट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 63% सो दे हैव अ वेरी वेरी ह्यूज इंपैक्ट ऑन द डेमोग्राफी ऑफ बिहार बिहार की पॉपुलेशन की बात करें तो इट इज 13.07 करोड़ इसमें भी EBC का हिस्सा सबसे ज्यादा है 36% सिक्स परसेंट एंड ओबीसी के आसपास तो इसमें 36 27.13% के आसपास है इसका अब इंपैक्ट क्या है ठीक है इससे ये हुआ कि बिहार इस सर्वे के बेसिस पे बिहार ने अपने रिजर्वेशन पॉलिसी को एडजस्ट किया सो so दैट जो सोशियो इकोनॉमिक नीड्स हैं, वो फुलफिल हो सके एस सी एस टी ओबीसी जो है है ना तो पहले जो 50 परसेंट पे था ये कोटा अब इंक्रीज होके 75 परसेंट पे चला गया है ना तो पहले से 25 परसेंट और इसमें ग्रोथ देखा गया है ठीक है पर्पस ये कि कास्ट डेमोग्राफी और उसके डिमांड्स के हिसाब से एक इंक्लूसिव पॉलिसी का फॉर्मेशन हो सके इन बिहार देन एमजी नरेगा कार्ड होल्डर्स के लिए आधार सीटिंग

क्या है इसमें तो एज पर द डेटाइट 1.8 1.80 पॉइंट एट करोड़ कार्ड होल्डर है बिहार में और 1.52 करोड़ का ऑलरेडी लिंकिंग हो चुका था बचे हुए का भी लिंकिंग ऑलरेडी हो चुका होगा अभी तक ठीक है इससे क्या होगा डिजिटल गवर्नेंस एंड ऑफ कोर्स डीबीटी वाली जो फैसिलिटी है वो ज्यादा आसानी से हो सकेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हो रही है, ठीक है प्लस एपीए सिस्टम जो है वो हमारा और ज्यादा इंप्रूव होगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्योंकि जितने भी एमजी नरेगा बेनिफिशियरीज हैं, उनके लिए इट इज एक्चुअली मैंडेटरी थिंग तो जितने भी एक्टिव एमजी नरेगा वर्कर्स हैं, उसमें 96 सिक्स ,00 हैव एक्टिव आधार लिंक बैंक अकाउंट जबकि

ये जो सिस्टम है इंटीग्रेट करता है क्या हमारे डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक डेटा को है ना और हमारे हमसे रिलेटेड जो डुप्लीकेशन है उस चीज से प्रोवाइड उस चीज से प्रोहिबिट करता है ठीक है प्लस डिजिटल पेमेंट को डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में डेवलप करने में हेल्प किया लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल पोस इन बिहार भले हम बिहार को कितना भी हंस ले बहुत सारी चीजों में बट नेशनल एवरेज से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है बिहार में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का

स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बी एस पी सी पी गवर्नमेंट क्या कर रही है गवर्नमेंट इज़ in so जो, जो वो और बढ़ सके एंड पीपल शुड गेट मोर इनक्लाइन टुवर्ड्स बाइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लस गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑफरिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स तो हमारा टारगेट क्या है बिहार का टारगेट है ये तो मैंने आपको बता दिया बिहार में नए का रजिस्ट्रेशन है जबकि नेशनल जो बिहार ना ईवी रजिस्ट्रेशन इसमें हम क्या करेंगे व्हीकल टैक्स को लोअर करेंगे व्हीकल टैक्सेस को कम करेंगे सो so दैट इसका जो कॉस्ट बेरियर है, जो, जो है वो कम आ सके ठीक है प्लस ओपन डाटा रिपोजिटरीज बनाएंगे ताकि ईवी प्लानिंग उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस एंड ऑल दिस थिंग्स कुड बी इजीली डेवलप्ड इसमें कौन कौन से की ऑर्गेनाइजेशन है तो डब्ल्यू की मैं बात कर रहा था डब्ल्यू है क्या एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फोकस कहाँ है उसका फोकस है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंटल इशूज के ऊपर काम करना ठीक है प्लस इंडिया में एक और बॉडी है नीति आयोग द थिंक टैंक है ना इंडिया सेंट्रल पॉलिसी थिंक टैंक तो ये भी जो है बॉटम अप

इंडिया में काफी कम हुआ इट इज ट्रू बट अभी भी देर आर सर्टन स्टेट स्पेशली लाइक बिहार वेस्ट बंगाल यूपी महाराष्ट्र जहां पे चाइल्ड मैरिज रेट जो है वो काफी हाई है तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ना 2015-16 के हिसाब से थर्टी नाइन पॉइंट ऑफ वुमेन इज 20 टू 24 इन इंडिया जो उस टाइम जब सर्वे हुआ तो उसके हिसाब से 18 साल पहुंचने के पहले उनकी शादी हो गई इसमें भी रूरल रीजन में ये प्रेवलेंस ज्यादा है बिहार में वेस्ट में वेस्ट बंगाल ये जो रेट वाले है।, अच्छा, ये हो रहा है तो कहीं कही, अगर आप देखोगे नियरली टू आउट ऑफ फाइव गर्ल्स मैरिड बिफोर कंप्लीटिंग सेकेंडरी स्कूलिंग सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट करने से पहले ही दो बच्चों की शादी हो जा रही है पांच में से अब हम इस चीज को कैसे एड्रेस करेंगे तो ये फैक्ट्स है प्लीज ये है हमें याद रखना है एग्जाम के लिए तो अब कैसे इस चीज को सही करेंगे ऑफ कोर्स सबसे पहला चीज कि अगर हम एजुकेशन को इम्पावरमेंट की तरह ले तो जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ेगी वैसे वैसे ये रेट जो है कम आएगा ठीक है बिकॉज एज पर थर्टी नाइन परसेंट ऑफ गर्ल्स हु आर इलिटरेट बिगिन चाइल्ड बेरिंग अर्ली एज कम्पेयर टू ट्वेंटी सिक्स परसेंट ऑफ द लिटरेट गर्ल्स

गवर्नमेंट child, uh, child जो है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्लॉक लेवल पे सो दैट चाइल्ड मैरिज का जो रेट है वो कम से कम किया जा सके एंड द गर्ल्स कुड भी मोटिवेटेड एंड द फैमिली मोटिवेटेड की वो बच्चों को स्कूल भेजे और उनका लेवल ऑफ लिटरेसी कुड भी इंप्रूव अब बात करते हैं पॉल्यूशन की India is suffering from this problem, Especially Delhi. All the, sympathies with the, city and the, people of the city, but Bihar bhi प्रॉब्लम स्पेशली डेहली hai. दिटी एंड बट बिहार भी इसमें कम नहीं है ठीक है, so, है एयर पॉल्यूशन के ऊपर करने वाला है मुजफ्फरपुर और गया में कि वहां पे कौन कौन से मेजर सोर्स हैं पॉल्यूटन के ठीक है तो so, क्योंकि ये रीजन क्यों मतलब ये करने की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि

आउट करने के लिए गवर्नमेंट इज वर्किंग जो स्टडी है स्पेसिफिक पोल्यूशन सोर्स को आइडेंटिफाई करेगा वेकिलिमिशन में बायोमास वर्किंग इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज और कंस्ट्रक्शनल डस्ट इन सबके ऊपर इट विल वर्क एंड देन हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा अलॉन्ग विद हमने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ना एनसी पी जल्सो दिया तो ये जो है इनिशियटिव ले रहा है फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एक सौ बाईस सिटीज है जिसमें जहां पे पॉल्यूशन लेवल एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर था उस चीज को है ना आइडेंटिफाई किया एंड देन प्रोमोट कर रहा है एडोप्शन ऑफ क्लीन फ्यूअल एमिशन चेक ग्रीन बेल्ट और इको फ्रेंडली इमेजेस ताकि अर्बन एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके और भी हैव समिंग एन ए ए क्यू एस नेशनल एम्बियट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड सीपीसी बी ने स्टब्लिस किया है ना और इट इज प्रोवाइडिंग थ्रेस होल्ड ऑन वॉट पी एम टेन पीएम बिहार लघु उद्यम योजना स्मॉल एंटरप्रे क्या स्कीम तो अगेन बिहार गवर्नमेंट की एक स्कीम है जहां पे मेन पर्पस है इम्प्लॉयमेंट जेनरेट करना अभी इंप्लॉयमेंट हम जेनरेट कैसे कर रहे हैं क्या सरकारी नौकरी दे के नहीं एक्चुअली इसमें यह है कि वैसी फैमिलीज जिनका मंथली इनकम इफ इट इज लेस देन सिक्स थाउजेंड तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर करिए बिहार गवर्नमेंट हाउ कम नाइन पॉइंट फोर मिलियन फैमिलीज ऐसी हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है एंड बिहार गवर्नमेंट उनको दो लाख रुपए का ग्रांट देने वाली है इसलिए ये ग्रांट मिल रहा है सो द पर्पज इज कि वो जो है अपना कोई छोटा बिजनेस या इंडस्ट्रियल यूनिट कोई प्रोसेसिंग यूनिट वो स्टार्ट कर सके हो सकता है क्राफ्ट हो टेक्सटाइल हो ईटरीज

इस चीज को मैनेज कर रही है एंड क्या लॉटरी कैसे मिले मतलब कैसे मिलेगा आ, वो आ, जो बेनिफिशियरी है कैसे पता चलेगा किसको देना है क्या ये मंत्री जी विधायक जी खुद डिसाइड करेंगे नहीं ये जो है ये कंप्यूटराइज रैंडम बेसिस पे कंप्यूटर्स के थ्रू जो जिसका नेम लिस्ट में आएगा इट विल बी पिक्ड अप लाइक दैट उसके अलावा एक और है ई स्टूडेंट्स के लिए एडिशनल एजुकेशन सपोर्ट है कि अगर कोई ई स्टूडेंट अगर सिविल सर्विसेज मेंस दे रहा है तो अदर स्टूडेंट्स अगर किसी कॉम्पिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको थर्टी थाउजेंड बीच में one time grant है so that उनको में आगे मिल सके बाकी कास्ट बिज सेंसिस वाली चीज हमने ऑलरेडी देख रखी है पहले नाउ इसके इससे आगे ही आगे बिजनेस की बात करते हुए in तो बिहार भी अपना एक विजन सेट कर रहा है रिगार्डिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम तो इसलिए क्या किया बिहार गवर्नमेंट ने रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट बिहार स्टार्टअप अवार्ड ट्वेंटी दिया गया और ये कब दिया गया इट वॉज गिवेन ऑन ऑफ जनवरी जनवरी के महीने में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है है ना डे इज एन आर आई डेट इट इज बींग्रेटेड जब जिस दिन महात्मा गांधी इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से सो so, वो डेट क्या है यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स काफी इजी डेट है आप सबने पढ़ा भी होगा और इस साल का थीम क्या था आप चाहो तो वो भी बता सकते हो तो बिहार गवर्नमेंट ने ये स्टार्टअप का ये जो इनक्लेव था ये जो चीज़ थी होस्ट किया था बिहार स्टार्टअप अवार्ड्स कहाँ पे अधिवेशन भवन पटना में है ना तो इसमें एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड जो है उसको बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है उसके बाद विद प्रभाव एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बीरो पावर लिमिटेड ये जो है फर्स्ट एंड रनर अप रहे हैं इसमें उसके अलावा भी भी और कैटेगरीज में रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं लाइक वुमेन लीडरशिप एग्रीकल्चर आई टी ई कॉमर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड एथेक्स विच इज बूमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है क्या उसके हाईलाइट क्या क्या है थोड़ा सा बेसिक देखते हैं फर्स्ट थिंग सीड फंडिंग फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट वॉट इज सीड फंडिंग तो किसी भी बिजनेस को किसी एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें जो फंडिंग प्रोवाइड किया जाता है दैट इज इज व्हाट योर सीड फंडिंग सो जो जो भी स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इंटरेस्ट फ्री सीड फंडिंग मिलेगा कितने तक का दस लाख ,00 तक का कितना दस लाख ,00 तक का इंटरेस्ट फ्री सीड फंडिंग टाइम पीरियड क्या होगा इस चीज के लिए सो द टाइम पीरियड इज दस साल का टाइम पीरियड है एंड इफ द स्टार्टअप इज लेड बाय वुमेन इसमें एडिशनल 5% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है एंड इफ इट इज फ्रॉम सम एससी और एसटी सो एडिशनल 15% का इसमें एक्स्ट्रा सीड फंडिंग का जो अमाउंट है उसमें 15% एक्स्ट्रा मिलेगा एक्सेप्ट अलोंग विद दैट कोई इंडिविजुअल uh, जो पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी एक्सेलरेशन प्रोग्राम में ऐसा कोई अपना बिजनेस वगैरह तो उसके लिए भी तीन लाख तक के ग्रांट्स अलग से अवेलेबल फिर और क्या सपोर्ट है किस तरह के इन्वेस्टमेंट है सो so, वैसे स्टार्टअप फॉर स्टार्टअप इज सिविंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रजिस्टर्ड एंटिटीज या फिर एंजल इन्वेस्टर्स तो अगर उनको जिनको मिल रहा है ऑलरेडी फंडिंग मिल रहा है फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स बड़ी जो कंपनीज हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके थ्रू तो उनको भी उससे रिलेटेड उससे मैचिंग लोन जो है पचास लाख तक का बिहार गवर्नमेंट इज रेडी टू गिव इट

तो इनकी पॉलिटिकल जर्नी की, so तो की बात करें तो दो बार पॉलिसीज इनकी पॉलिटिकल करियर की बात करें तो स्टार्टेड विद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बाद में जनता पार्टी ज्वाइन किया विच इवेंचुअली बिकेम एन एफ ऑफ द जनता दल इनके टाइम पीरियड पे इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स और पुअर्स से रिलेटेड काफी सारी पॉलिसीज लेके आए थे जिससे कि जो अंडर सेक्शन है बिहार के सोसाइटी के उनको काफी हेल्प मिला था प्लस ऑफ कोर्स अगर इस तरह के काम होंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन भी थे भारत रत्न है क्या वेरी बेसिक थिंग आप सबको बताया गया इंडिया का हाइस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है ठीक है हर साल लगभग तीन लोगों को मैक्सिमम तीन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है ठीक है इसके लिए रिकमेंडेशन कौन देता है